ए टूटा, सुनना, मुझे बाल खड़े करवा के पुतवाना था। कहीं यहाँ कोई सस्ते से दुकान बताना। क्यों जेजे भैया, छपरे बनना है क्या? अबे हट, स्टार बनना है स्टार। तो बाल खड़े करके पुतवाने में कौन सा ऐसा वायरल का संबंध है? अरे तूने इन लोगों को नहीं देखा क्या? बाल खड़े करके भैया पुतवा के ऑटो ट्यून पेल के रातों रात एकदम वायरल हो गया इनको। मतलब वायरल हो गई है यहाँ पे। माना आप बाल खड़े करके पुतवा लोगे, पर हाँ जो भी बोले पर इज्जत से बोलना। इज्जत पर नहीं, पर मारोगे तो नहीं ना? पक्का? पर इज्जत से बोलना। अरे बाल खड़े करके पुतवा लिए, पर मादा बहन कहाँ से लाओगे? आप तो नल्ले हो। हैं? अरे मारते क्या, मारते क्यों हो यार, मारते? अरे बाप रे। परंपरा चाचा थोड़ा जल्दी बोलो, चाचा प्रतिष्ठा चाचा थोड़ा जल्दी बोलो। अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। ओ शिट, ये तो गुरुकुल का है। संचेत, परंपरा और ऑटोट्यून, इन वायरल रील्स के 3 मेन स्तंभ हैं। इस डिजिटल दुनिया के जंगल में हर कहीं इनका संक्रमण फैल चुका है। ये आपको हर जगह दिखाई दे रहेंगे, चाहे आपके चाचा चाची मासा मासी का व्हाट्सएप फॉरवर्ड हो या फिर भाई बहनों का इंस्टाग्राम रील्स और स्टोरीज। इनका संक्रमण इतना फैल चुका है कि इनके केस कोरोना से ज़्यादा दिखाई, सॉरी, इनका संक्रमण, इनके वीडियो इतने वायरल हो चुके हैं कि इनके व्यूज़ मिलियंस में आ रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर यूट्यूब। ये देखिए, ये देखिए, भैया के बाल एकदम ऐसे स्ट्रेट खड़े मिलेंगे। और शायद इनके बाल इतने देर खड़े रह के शायद थक गए होंगे, तो हो सकता है कि इन बहन मादा के ऊपर जो फन रूपी सांप का कुछ रखा हुआ है, तो आप कभी ये सांप को भैया के ऊपर ट्रांसफ़र कर दें तो भैया के बालों को थोड़ा सा चैन आराम मिल जाएगा। तो थोड़ा यार ट्रांसफ़र कर दीजिए कि भैया के बालों को थोड़ा चैन आराम मिल जाए बहन जी। अरे ये क्या देख लिया, अरे बाप। और इनके गाने में देखा है आपने, इनके गाने में गाने कम और टूथपेस्ट का एडवर्टीजमेंट ज़्यादा रहता है। बस ही हास दे ली। अरे ये तो रिंक्या के पापा करते हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस मस्त म्यूजिक डाल के गाना बजाइए और जनता का इंटरटेनमेंट कीजिए। अब जनता ने मान लिया कि इनके अंदर आधा टैलेंट भरा हुआ है कूट कूट के, और वो छुपा हुआ टैलेंट शायद मुझे तो ऑटो ट्यून लगता है। इसके पहले भी हमारे यहाँ बहुत सारे ऑटो ट्यून वाले आए हैं। अरे ये नहीं, अरे शिट, ये हाँ, ये मतलब कि आज ब्लू टिक लेके घूम रहे हैं, सातवें आसमान पर रहे, और इनकी एकदम ज़िंदगी बदल गई है पूरी तरीके से। गणित की जैसे माना कि आपके अंदर आधा टैलेंट भरा हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, अपना गाना कंपोज कीजिए। क्यों ही अपना अच्छे भले भजनों को लेकर उसमें क्विंटल क्विंटल भर ऑटो ट्यून पेल के उनके बजा रहे हो यार, हैं? ए टूटा, इधर क्या कर रहा है? रा 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 रा। इनका ही गाना है भैया, जिनको आप भला बुरा और नर्मदा कह रहे हो इधर आके। क्यों, तेरे को इंडियन आइडल दिखता है क्या इधर? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन और आपके जनरल नॉलेज को बनाने के लिए हम आपको एक बात और बता दें कि टूटे हुए आशिकों का गायत्री मंत्र और हनुमान चालीसा, बेख्याली में भी तेरा ख्याल आए, इन्हीं के द्वारा कंपोज किया गया था। अच्छा गाना है, अच्छा गाना है। ठीक है, तो उनका काम ही है यार, वो म्यूजिशियन है, उनका काम है कंपोज करना। जैसे कि KRK का काम है मूवी बनाना, करण जौहर का काम है नेपोटिज्म को बढ़ाना, और हम हमारा काम कर रहे हैं। पर आपका काम कर रहे हो कि नहीं, कर रहे हो कि नहीं? अरे सब्सक्राइब करना है आपका काम, करो ना यार, करो, शेयर करो वीडियोस को, लाइक करो, कमेंट भी कर ही दो कुछ बराबर। इनके पहले के गाने देखेंगे तो पहले के गाने बहुत अच्छे थे, जब ये लॉर्ड हिमेश और मीका सिंह और शान के अंडर में जब काम करते थे द वॉइस इंडिया में, तो तब काफ़ी अच्छा चलता था। आप जैसे कि इनमें देख सकते थे कि देखो कितना बढ़िया एकदम गा रहे हैं, मज़ा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। पर जो अभी की जो रील्स आई है ना, मतलब कि भैया गंद फैला दियो, संक्रमण फैला दियो इसमें, पता है सच बोल रहे हैं। उम्मीद है कि आगे हमको इनके बहुत और अच्छे गाने सुनने को मिलेंगे और ये हमें ऐसे ही इंटरटेन। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और संचेत और परंपरा के फैंस के साथ ज़रूर शेयर करें और उनके तक ये वीडियो पहुंचा दे। कर दो यार शेयर, 5-10 सेकेंड का समय मिलता है, तो तब तक के लिए मौज करते रहे, चिल करते रहे, मस्ती करते रहे, अपना ख्याल रखें, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर टाइम, और बाय बाय।